डियर स्टूडेंट्स अजीज़ तलबा तौलबा असलम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स बुक के पान प्लीज़ लिसन के मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्श ऑफ के क्वेश्चन को समझेंगे और सॉल्व करेंगे सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मार्जिन क्वेश्चन एंड द फर्स्ट मार्जिन क्वेश्चन इज व्हाट्स द डिफरेंट बिटवीन हेयर एंड लिसन के हेयर और लिसन के बीच में क्या फ़र्क है द आंसर इसका हेयर मीन्स रिसिविंग वॉइस विदाउट इंटेंशन इट्स द फिजिकल फीचर ऑफ़ लिविंग बींग But listen means to pay attention to sound and receiving it intentionally। के हेयर के माने होते हैं हीयर की मीनिंग होते हैं कि कोई आवाज़ को इरादे के बगैर लेना या हासिल करना प्राप्त करना ये एक फिज़िकल फीचर है कोई भी जिंदा चीज़ का यानी जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं तो वो सुन सकती है कोई भी चीज़ को उनको हर आवाज़ सुनाई देती है लेकिन सन के ये होते हैं कि आवाज के ऊपर अटेंशन देना उसको गौर से सुनना एंड रिसीविंग इट इंटेंशनली और उसको अपने इरादे से रिसीव करना हासिल करना प्राप्त करना यानी आपको अपने आसपास बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है लेकिन जिस आवाज को आप गौर से सुन रहे हैं उसके ऊपर पूरा अपना ध्यान लगा रहे तो हम कहेंगे कि ये लिसनिंग है लेकिन आपके कानों पर जो आवाज आ रही है आपके इरादे से नहीं आ रही है तो उसको हम कहेंगे कि ये हेयरिंग है सेकेंड क्वेश्चन है थिंक गेस एन आंसर के सोचो गेस करो और जवाब दो हाउ ओल्ड इज द स्पीकर इन द पोम के नज्म में जो स्पीकर है तो उसकी उम्र क्या है तो आंसर इसका विद द वर्ड्स ऑफ द पोम के वर्ड्स जो पोएम में यूज़ किए गए हैं उसके जरिए हमको महसूस होता है वी कैन सेंस दैट द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ अ मेचर्ड टीनेजर के इस पोएम को कहने वाला एक मेचर्ड टीन एजर है यानी अपनी अर्ली टीन एज में नहीं है थर्टीन फोर्टीन में नहीं है बल्कि वो लेट टीन एज में है और मेच्योर्ड है उसको समझता है बहुत सारी चीजें थर्ड क्वेश्चन है हु इज और शी टॉकिंग टू कि वो किससे बात कर रहा है या बात कर रही है क्या आंसर इसका ही और शी इज टॉकिंग टू इधर हीज और हर एल्डर और फ्रेंड हु इज इन लिसनिंग टू हिम और हर के या तो वो अपने किसी एल्डर से बात कर रहा है या बात कर रही है या अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही है या कर रहा है जो कि उसको सुन नहीं रहा था फोर्थ क्वेश्चन है वट मस्ट बिफोर द स्पीकर सेज ऑल दिस के क्या हुआ होगा ये सब कहने से पहले स्पीकर ने यह सब जो कहा इस पोम में तो इससे पहले क्या हुआ होगा हमको अंदाजा करके बताना है तो आंसर इसका द स्पीकर वॉन्टेड टू शेयर हिज और हर फीलिंग एंड प्रॉब्लम्स जो स्पीकर है तो वो अपने फीलिंग्स और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता था बताना चाहता था बट द अदर पर्सन वॉज एन लिसनिंग टू हिम लेकिन जो दूसरा आदमी है दूसरा जो पर्सन है तो वो उसको सुन नहीं रहा था एंड इंस्टेड ही और शी स्टार्टेड गिविंग एडवाइस टू द पोट लेकिन सुनने के बजाय वो पोएट को एडवाइस देने लग गया उसको मशवरे देने लग गया तो इसके बाद में पोएट ने ये पूरी पोएम कही है नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक डिस्कस एंड आंसर के सोचो डिस्कस करो और जवाब दो फिफ्थ क्वेश्चन है इज द स्पीकर अवेयर ऑफ हिज शॉर्ट कमिंग्स के क्या स्पीकर अपनी कमियों के बारे में जानकारी रखता है क्या उसको अपनी कमियां मालूम है तो आंसर इसका यस द स्पीकर इज अवेयर ऑफ हिज शार्ट कमिंग्स कि हाँ अपनी कमियों के बारे में जानता है उसको अपनी कमियों की जानकारी है एज ही सेज जैसे कि वो कह रहे हैं आई एम नॉट हेल्पलेस मे बी डिस्करेज एंड फेल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस तो इस लाइन में पोएट ने अपनी शॉर्ट कमिंग्स अपनी कमी और कोताही के बारे में बताया है सिक्स है डज ही और शी वॉन्ट टू इम्प्रूव कि क्या वो इम्प्रूव करना चाहता है तो आंसर इसका यस ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव क्यों हाँ वो इम्प्रूव करना चाहता है सेवन क्वेश्चन है इज ही और शी कॉन्फिडेंट दैट ही और शी कैन इम्प्रूव कि क्या वो कॉन्फिडेंट है कि वो इम्प्रूव कर सकता है या कर सकती है तो आंसर इसका यस ही और शी इज कॉन्फिडेंट दैट ही एंड शी कैन इम्प्रूव कि हाँ वो कॉन्फिडेंट है कि वो इम्प्रूव कर सकता है या कर सकती है एट्थ क्वेश्चन है हाउ डज ही और शी वॉन्ट टू वर्क इट आउट कि वो कैसे इसको वर्कआउट करना चाहता है यानी इसको कैसे फिगर आउट करना चाहता है यानी अपने इंप्रूवमेंट को वो कैसे करेगा इसके बारे में उसको क्या प्लान है उसके तो आंसर इसका ही और शी वांट टू वर्क इट आउट बाय डूइंग द वर्क बाय हिमसेल्फ कि वो इसको वर्कआउट करना चाहता है इसको फिगर आउट करना चाहता है इसका प्लान इसने इस तरह बनाया है कि वो जितने भी काम है तो वो खुद से करना चाहता है एज ही और शी से जैसे कि उसने कहा है यानी पोएट ने अपने पोए में कहा है कि गॉड इज़ म्यूट गॉड खामोश है एंड ही डजेंट गिव एडवाइस कि वो एडवाइस नहीं देता है एंड और ट्राई टू फिक्स थिंग्स और वो थिंग्स को चीजों को खुद से फिक्स नहीं करता है गॉड जस्ट लिसन जो खुदा है गॉड है तो वो सिर्फ सुनता है एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योर और वो चाहता है वो आपको अपना काम खुद से कर देना चाहता है यानी गॉड चाहता है कि आप अपने काम खुद से करें और अपनी चीज़ों को खुद से फिक्स करें नाइन क्वेश्चन है इज द पोएट विलिंग टू लिसन टू अदर्स क्या पोएट दूसरों को सुनने की ख्वाहिश रखता है इच्छा रखता है तो आंसर इसका यस द पोएट इज विलिंग टू लिसन टू अदर्स एज द पोएट सेज कि हाँ पोएट दूसरों को सुनने की इच्छा रखता है ख्वाहिश रखता है जैसे कि पोएट कह रहे हैं कि इफ यू वॉन्ट टू टॉक कि अगर तुम बात करना चाहते हो वेट अ मिनट फॉर योर टर्न तो अपनी बारी आने के लिए एक मिनट का इंतजार करो एंड आई विल लिसन टू यू और मैं तुम्हारी को सुनूंगा मैं तुम्हारी बात सुनूंगा टेन क्वेश्चन है डिस्कस हाउ यू कैन बी अ गुड लिसनर के आप डिस्कस करो कि आप कैसे अच्छे लिसनर बन सकते हो अच्छे सुनने वाले बन सकते हो तो आंसर इसका वी कैन बी अ गुड लिसनर बाय पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर कि हम एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं जो स्पीकर है बात करने वाला है उसके ऊपर अटेंशन देकर वी शुड नॉट इंटरप्ट हिम और हर एंड लेट हिम और हर फिनिश हिज और हर कन्वर्सेशन कि हमें उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बीच में टोकना नहीं चाहिए और उसको अपनी बात कंप्लीट कर ले देना चाहिए एंड वी शुड बी present एट द मोमेंट और हमको मोमेंट में present होना चाहिए यानी जब हम बात कर रहे किसी से तो उसी के साथ में मौजूद होना चाहिए उसी के साथ में रहना चाहिए ऐसा ना हो कि हम उसके साथ में तो लेकिन हमारा दिमाग कहीं और हो एंड वी शुड नॉट चेक अवर मोबाइल्स और हमको अपने मोबाइल नहीं चेक करते रहना चाहिए यानी हम किसी से बात कर रहे हो तो बार बार घड़ी देखना मोबाइल देखना ये अच्छे लिसनर की फीचर नहीं है अ गुड लिसनर शुड आस्क गुड क्वेश्चन इफ नीडेड और जो एक अच्छा सुनने वाला है तो उसे अच्छे क्वेश्चन अच्छे सवाल पूछना चाहिए अगर उसकी ज़रूरत हो ताकि अगर सामने वाले की बात में कुछ भी कन्फ्यूजन हो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो क्लियर हो जाए एंड ही डज नॉट जम्प टू कंक्लूजन विदाउट लिसनिंग टू कंप्लीट टॉक और वो कंक्लूजन पे नतीजे पर जल्दी से जंप नहीं कर लेता है जल्दी पहुंच नहीं जाता है पूरी बात को सुने बगैर

कि तुम मुझसे कहने लगते हो कि मुझे ऐसा क्यों महसूस नहीं करना चाहिए और थर्ड है यू फील यू हैव टू डू समथिंग टू सॉल्व माय प्रॉब्लम कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करना चाहिए सेकंड क्वेश्चन इज राइट द अपोजिट एंटीनिमिस ऑफ द फॉलोइंग नीचे आए हुए वर्ड्स के हमको अपोजिट वर्ड्स लिखना है ए है चीप चीप का अपोजिट वर्ड है एक्सपेंसिव बी है डिसकरेज इसका अपोजिट है इनकरेज सी है इन तो इसका अपोजिट है एडिकेसी डी है एक्सेप्ट इसका अपोजिट है रिजेक्ट ई है सिंपल इसका अपोजिट दो है हार्ड और कॉम्प्लेक्स एफ है इेशनल इेशनल की भी दो अपोजिट है रैशनल और लॉजिकल जी है अंडरस्टैंड तो इसका अपोजिट है मिसअंडरस्टैंड और एच है क्लियर तो क्लियर कई कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसके अपोजिट वर्ड अलग अलग आएंगे वेग माने होता है कि अगर किसी की बात या किसी का ख्याल या कोई जो कॉन्सेप्ट हो तो वो क्लियर ना हो तो हम उसको कहेंगे वेग है ब्लॉक्ड यानी अगर कोई रास्ता क्लियर नहीं है साफ़ नहीं है रास्ता हमारा तो हम उसको कहेंगे कि रास्ता ब्लॉक्ड है यानी वो क्लियर नहीं है और अगर कोई जगह या कोई चीज़ क्लियर नहीं है साफ़ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो डर्टी है तो क्लियर जो वर्ड है तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है इसीलिए इसके जो अपोजिट वर्ड है तो वो भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अलग अलग कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग आएंगे थर्ड क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग चार्ट टू प्रिपेयर मीनिंगफुल डायलॉग्स के नीचे आए हुए चार्ट्स को हमको यूज करना है मीनिंगफुल डायलॉग प्रिपेयर करने के लिए तैयार करने के लिए यूज टू फिल इन द ब्लैंक्स के हमको अपने आइडियाज को यूज करना है नीचे आई हुई खाली जगह को भरने के लिए तो चार्ट ए है जिसमें ए है तो बात करने वाला है और बी है तो वो सामने वाला है जिससे बात की जा रही है तो ए पूछेगा हैव यू रेड स्वामी एंड फ्रेंड्स कि क्या तुमने स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम की किताब पढ़ी है तो अब यहाँ पे सामने वाले के दो आंसर हो सकते हैं कि उसने एक तो पढ़ी है वो किताब या हो सकता है कि सामने वाले ने बी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है तो हम लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं कि अगर सामने वाले ने किताब को नहीं पढ़ा तो क्या कन्वर्सेशन हो सकती है और जो राइट right साइड में है तो उसमें बताया जा रहा है कि अगर उसने किताब पढ़ ली है तो क्या कन्वर्सेशन हो सकती है तो पहले हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे बी कह रहे हैं कि नो हैव यू क्या नहीं मैंने किताब तो नहीं पढ़ी क्या तुमने पढ़ी है तो अब इसमें भी अब इसने भी सवाल पूछ लिया बी ने तो इसकी भी दो आंसर हो सकते हैं कि ए ने इस किताब को पढ़ा और ए ने किताब को नहीं पढ़ा तो अगर किताब पढ़ा है तो जो हमारी कन्वर्सेशन है तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट में शुरू होंगी कि यस आई हैव कि हाँ मैं किताब को पढ़ चुका हूँ यू मस्ट रीड इट टू तुम्हें भी इसे पढ़ना चाहिए यू विल लव इट तुम इसको पसंद करोगे तो उस पर बी कह रहे कि आई विल ट्राई इट मैं कोशिश करूंगा अब हमारी कन्वर्सेशन और आगे इस तरह बढ़ सकती है कि बी ने किताब को तो नहीं पढ़ा और उसने पूछा कि क्या तुमने किताब को पढ़ा है तो ए ने भी किताब को नहीं पढ़ा लेकिन उसको वो चाहता है कि वो पढ़े तो वो कहेंगे कि नो आई हैवन के नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा बट आई वॉन्ट टू रीड इट लेकिन मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ तो उस पर बी कहेगा कि तेल मी अबाउट इट वन यू डू कि मुझको उसके बारे में बताना जब तुम पढ़ लोगे राइट साइड में हम देख रहे हैं कि ए पूछ रहे हैं कि हैव यू रेड स्वामी एंड फ्रेंड्स के क्या तुमने स्वामी एंड फ्रेंड्स किताब पढ़ी है तो अगर बी किताब को पढ़ चुका है तो वो कहेगा कि यस आई हैव कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ और अगर उसको किताब पसंद आई तो वो कहेंगे कि इट्स अमेजिंग वेरी इंटरेस्टिंग डिलइटफुल सुपर्ब कि हाँ ये किताब बहुत अमेजिंग है बहुत अच्छी है बहुत इंटरेस्टिंग है दिलचस्प है डिलाइटफुल बहुत अच्छी है सुपर्ब ये सब जो वर्ड्स है तो कि, किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए आते हैं और अगर बी को वो किताब पसंद नहीं आई तो फिर वो कहेंगे कि इट्स बोरिंग टू लॉन्ग कि वो किताब बोरिंग है बहुत लंबी है आई डिन लाइक इट मुझे वो पसंद नहीं आई आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है। तो इस चार्ट में हमको बताया गया है कि हम जब भी कोई कन्वर्सेशन करते हैं जब भी हम कोई बात करते हैं तो सामने वाले के तरफ से उसके आंसर कई तरीके से आ सकते हैं तो हमको सामने वाले को गौर से सुनना चाहिए और उसके बात सुनने के बाद में हमारी बात कहनी चाहिए आगे हमसे कहा जा रहा है कि प्रिपेयर सिमिलर कन्वर्सेशन अबाउट अ फिल्म के हमको इसी तरह की यानी इसी चार्ट को देखते हुए एक इसी तरह की कन्वर्सेशन बनाना है किसी मूवीज के बारे में तो हमने इसी चार्ट को मूवी के बारे में बनाया है कि ए पूछ रहे हैं कि हैव यू वॉच्ड तारे ज़मीन पर कि क्या तुमने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है तो अगर बी ने ये मूवी नहीं देखी है तो उस पर बी कहे कि नो है के, no, के नहीं लेकिन क्या तुमने देखी है तो अगर ए ने देख लिया ये मूवी को तो वो कहेंगे कि यस आई हैव यू मस्ट वॉच इट टू कि हाँ मैं देख चुका हूँ मूवी और तुम्हें भी इसे देखना चाहिए यू विल लव इट तुमको ये पसंद आएंगी तो उस पर बी कह रहे हैं कि आई विल ट्राई इट मैं कोशिश करूँगा और अगर ए ने ये मूवी नहीं देखी तो उस पर वो कहेंगे कि नो आई हैवन के नहीं मैंने नहीं देखी बट आई वॉन्ट टू वॉच इट लेकिन मैं इसे देखना चाहता हूँ तो उस पर बी कहेंगे कि टेल मी अबाउट इट वेन यू डू कि मुझे उसके बारे में बताना जब तुम देख लोगे इस कन्वर्सेशन का दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि ए पूछेगा कि हैव यू वॉच तारे ज़मीन पर कि क्या तुमने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है तो बी अगर उस मूवी को देख चुका है तो वो कहेंगे कि yes, यस आई हैव कि हाँ मैं देख चुका हूँ और अगर उसे मूवी अच्छी लगी तो वो उस पर कहेंगे कि इट्स अमेजिंग वेरी इंटरेस्टिंग डिलाइटफुल कि हाँ वो बहुत अच्छी है बहुत दिलचस्प है बहुत ही मज़ेदार है और बहुत खूब है लेकिन अगर उसे वो मूवी बोर लगी तो उस पर वो कहेंगे कि इट्स बोरिंग कि वो बोरिंग है इस टू लॉन्ग बहुत लंबी है आई डिट लाइक इट मुझे वो पसंद नहीं आई है आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज कि मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं है इस क्वेश्चन का पार्ट बी है जिसमें हमको एक और चार्ट दिया गया है उसमें हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं खाली जगह दी गई है तो उसको हमें अपने आइडियाज को यूज करते हुए फिल करना है और इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है तो इसको हम कंप्लीट करेंगे तो बी कन्वर्सेशन का भी दो पार्ट हो सकते हैं ए इसमें कह रहा है कि आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई सिस्टर टूडे कि आज मैंने अपने सिस्टर के साथ में फिर से आर्ग्यूमेंट किया तो उस पर बी कह रहा है ओ, what about, कि ओ वाट अबाउट किस बारे में तो ए कह रहा है कि द यूजल वही रोज का आई वॉन्टेड टू वॉच आई पी एल मैच कि मैं आई पी एल मैच देखना चाहता था बट शी वॉन्टेड टू वॉच टी वी सीरियल लेकिन वो टी वी सीरियल देखना चाहती थी सो अगेन वी एंडेड अप फाइटिंग तो फिर से हम लोग झगड़ने लगे तो उस पर बी कह रहा है कि वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू हर दैट वी ओनली इन्जॉय वॉचिंग क्रिकेट मैच वेन वी वॉच इट लाइव कि तुम उसे एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हो कि हम क्रिकेट मैच देखना उसी वक्त पसंद करते हैं हमको क्रिकेट मैच देखने में उसी वक्त मज़ा आता है जबकि हम उसको लाइव देखते हैं यानी मैच उधर हो रहा है और इधर हम टीवी पर देख रहे हैं तो इसको देखने में मज़ा आता है तो उस पर ए कह रहे हैं कि आई ट्राइड मैंने कोशिश तो की बट इट डजेंट हेल्प लेकिन उसकी कोई मदद न हुई यानी उससे कोई फायदा नहीं हुआ या तो ए उस पर कहेगा कि आई विल ट्राई कि हाँ मैं ये ऐसा करने की कोशिश करूंगा इस कन्वर्सेशन का जो सेकंड पार्ट है वो यह होगा कि आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई सिस्टर टूडे कि आज मैंने अपने सिस्टर के साथ में आर्ग्यूमेंट किया बहस की लड़ाई की तो उस पर बी कहेंगे कि ओ नो नॉट अगेन अरे नहीं फिर से नहीं तो ए उस पर कह रहे हैं कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई वॉन्ट टू वॉच आई पी एल मैच लाइव कि मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैं आई मैच लाइव देखना चाहता हूँ एंड क्रिकेट मैच इज़ ऑनली इंजॉयल वन वी वॉच इट लाइव और क्रिकेट मैच उसी वक्त इंजॉयबल होता है मज़ेदार होता है जबकि हम उसको लाइव देखते हैं बट शी डिन लिसन टू मी लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी तो उस पर बी कह रहे कि सैड बहुत अफसोस की बात है फोर्थ क्वेश्चन है मेंटेन अ डायरी एटलीस्ट फोर अ वीक आपको एक हफ्ते तक की अपनी डायरी मेंटेन करना है यानी लिखते रहना है राइट अबाउट योर इंटरेक्शन विद अदर पीपल इन योर सराउंडिंग इन थ्री टू फोर लाइन्स कि आपको अपने इंटरेक्शन यानी मेल जोल के बारे में लिखना है दूसरे लोगों के साथ में आपके आजू बाजू जो कुछ रहते हैं तीन से चार लाइन में यानी आपके आजू बाजू जो लोग रहते हैं तो उनके साथ में आपका कैसा इंटरेक्शन हुआ कैसे आप उनके साथ में मिलते जुलते रहे तो वो आपको तीन से चार लाइन में लिखना है ऑल्सो राइट वेदर यू फाइंड द इंटरेक्शन हैप्पी अनहैप्पी सेटिसफैक्ट्री अनसेटिसफैक्ट्री इंजॉयबल स्ट्रेसफुल एट्सेट्रा कि आपको ये भी लिखना है कि आपका जो इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ में तो वो कैसा था हैप्पी था अनहैप्पी था सेटिसफैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री इंजॉयबल मजेदार था स्ट्रेसफुल या फिर स्ट्रेसफुल था तो यहाँ पे हमने आंसर में सिर्फ एक दिन का लिखा है आप इसको देखते हुए पूरे वीक का लिख सकते हैं तो यहाँ पे हमने आंसर में लिखा है डे वन यानी पहला दिन फिफ्टीन अक्टूबर ट्वेंटी आपको डायरी के ऊपर अपना डेट भी लिखना चाहिए कि आप किस दिन की डायरी लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं कि टुडे व्हेन आई वाज अबाउट टू फिनिश माय ब्रेकफास्ट के आज जबकि मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने वाला था आई हर्ड अ नॉइस एट द डोर ऑफ माय हाउस कि मैंने अपने घर के दरवाजे पर एक शोर सुना आई गॉट अप टू सी वर्ड गोइंग ऑन देयर मैं उठा ताकि मैं देख सकूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है आई वॉज़ सरप्राइज टू सी दैट इट वॉज़ माई ब्रदर मुझे ये देख कर बहुत हैरानी हुई कि वो मेरा भाई था हु केम बेक फ्रॉम हॉस्टल वो अपने हॉस्टल से आया था आई वॉज और जॉय टू सी हिम मुझे उसे देखकर बहुत खुशी हुई वी हग्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम हमने एक लंबे टाइम के लिए यानी देर तक के हम लोग गले मिलते रहे आई स्पेंड माई रेस्ट ऑफ द डे टॉकिंग विद हिम इन्जॉइंग एवरी मोमेंट मैंने अपना पूरा बाकी का दिन उसके साथ बातें करते हुए गुजारा हर मोमेंट को इंजॉय करते हुए तो इस तरह आपको भी अपने कोई भी दिन का एक अच्छा जो पॉइंट था इवेंट था वो लिखना है और उसमें आपको बताना है कि आपने उसमें क्या एंजॉय किया अगर एंजॉय नहीं किया तो आपको उसमें क्या क्या क्या, क्या तकलीफ हुई इस तरह तीन से चार लाइन में आपको लिखना है और एक पूरे हफ्ते की डायरी मेंटेन करना है फिफ्थ क्वेश्चन है राइट एंड इनफॉर्मल लेटर फ्रॉम अ टीन एजर टू हिज पेरेंट्स एक्सप्रेसिंग अ फ्यू थाट फ्रॉम द पोम कि आपको एक टीन एजर का इनफॉर्मल लेटर लिखना है उसके पेरेंट्स के लिए जिसमें कि आप पोम में आए हुए कुछ एक्सप्रेशन को लिखेंगे या कुछ थॉट्स को लिखेंगे यहाँ पे आपको उस इनफॉर्मल लेटर के आउटलाइन दिए गए हैं कि आपको उसमें क्या क्या यूज करना है जैसे माई डियर डियरेस्ट हाई आर यू सरप्राइज टू सी दिस लेटर आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस बट देन आई थॉट आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर इन अ लेटर लव योर्स लविंगली योर्स तो यहाँ पे हमें इस इनफॉर्मल लेटर का कोई खाका दिया गया है तो उस खाके को यूज़ करना है और फॉर्म से कुछ एक्सप्रेशन को कुछ थॉट्स को यूज़ करना है और एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो आंसर में हमने लेटर लिखा है कि एक्स वाई जेड हॉस्टल ए बी सी यूनिवर्सिटी मलकापुर और राइट right साइड में डेट लिखा है फिफ्टीन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन माई डियर फादर आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन के माई डियर फादर मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ आर यू सरप्राइज टू सी दिस लेटर क्या आपको ये लेटर देख के ये खत देख के हैरानी हुई सरप्राइज हो गया आप आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट माई रिजल्ट मैं अपने रिजल्ट के बारे में बात करना चाहता था बट आई क्वेंट गाई करेज टू टॉक टू यू लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया आपसे बात करने के लिए सो आई थाट आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर इन अ लेटर तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को एक लेटर में अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊंगा यानी एक लेटर लिखकर अपने आप को अपनी बातों को अच्छे से बयान कर सकूंगा। डियर फादर दिस ईयर हैजन बीन वेरी ईजी फॉर मी कि यह साल मेरे लिए बहुत ईजी नहीं रहा है एंड वन आई आस यू टू गिव मी सम मनी टू जॉइन अ ट्यूशन क्लासेज अब यहाँ पे जो हमने रेड कलर में लिखा वो पोम से लिए हुआ थाट है कि जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी दीजिए ताकि मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर सकूँ यू स्टार्टेड गिविंग मे एडवाइस अबाउट हार्ड वर्क तो आप मुझको मशवरे देने लगे हार्ड वर्क के बारे में डियर फादर लिसन ऑल आई आस इज़ दैट यू लिसन यहाँ पे भी जो रेड कलर से जितने वर्ड्स दिए गए हैं तो वो हमने डायरेक्ट पोएम से लिए हैं कि डियर फादर सुनो और मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप सुनिए आई एम वर्किंग हार्ड मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ एंड आई नीड दिस एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास फॉर बेटर रिज़ल्ट मुझे इस एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास की ज़रूरत है अच्छे रिज़ल्ट के लिए सो प्लीज़ लिसन तो प्लीज़ लिसन योर्स लविंगली जुबैर मोहसिन अब आप ज़ुबैर मोहसिन की जगह पे अपना नाम लिख सकते हैं तो इस तरह हमने इस पोम के एक्सप्रेशन को कुछ थाट्स को यूज़ किया और जो क्वेश्चन में हमें आउटलाइंस दिए गए थे तो उसको यूज़ करते हमने एक इनफॉर्मल लेटर यहाँ पे लिखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो की मदद से प्लीज़ लिसन पोम के मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन को समझाऊंगा और लिखा भी होगा अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक like ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम Assalamu alaikum